इस तरह के कैलकुलेशन आपको हमेशा मिलते रहते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है वो आपको डीप में जाना पड़ता है तभी आपको समझ में आता है। वैसे ये कैलकुलेशन कोई बहुत हार्ड नहीं है और इस तरह के कैलकुलेशन हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ बहुत मिलेंगी और एकदम बेसिक से सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, जो बच्चे को अगर दिक्कत हो रही हो कि हम ऐसे ये जो आपका इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना या जो कुछ भी है, इसको हमें सब बेसिक से सीखना है, तो बेसिक से सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई किसी बच्चे को अगर ये मिल जाता है तो उसमें उसको सबसे पहले क्या करना है कि आप इन सब के जो संख्या होती है उन संख्याओं को अलग करना सीखिए, दिमाग में उन संख्याओं को अलग कर लीजिए। जैसे देखिए, पहले तो ये इसमें तो रूल यही है कि इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, ये 10^7 है, यहाँ पर देख रहे हो आप ये दोनों गुणा में है, मतलब ये 20/100 जो है गुणा में है, साथ ही साथ ये अंशहर है और एक अंश के ऊपर अंशहर में है, तो इसका मतलब जो अंश में उसमें है वो अंश में रहेगा, जो हर में है उसमें वो हर में रहेगा। मतलब आप बात समझ सकते हैं, ये 20 यहाँ पर रहेगा और ये जो हमारा 100 है इसको हम चाहें तो ले करके यहाँ चले आएँ। तो किस इस तरीके से चाहे तो हम यहीं पर काट दें, देखिए यहाँ पर भी कट सकता है, इस 100 को हम इन संख्याओं से भी काट सकते हैं, बट यहाँ पर लेकर आए तब तो वही बात हुई कि 5 से और 20 से हम 100 को काट सकते थे, तो यहां पर भी देखो 5 और 20 से 100 को से कट रहा है, बात तो वही हो रही है। तो इसके लिए हमें यहां पर 5 को ऐसे ही पड़े रहने देंगे और ये जो हमारा 10^7 है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ये हमारा जो 20 है इससे काट लेंगे, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा और अब बच रहा है यहाँ पर ये इतना। तो दिमाग लगाइए, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हमारा 10^-7 ऊपर बचा है और 10^1000 को जो हम समझना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए, 1000 का आप समझेंगे तो यही होगा, दिमाग में समझिए कि 10 × 10 × 10 मतलब 1000, तो 3 × 10 है, इसका मतलब 10^3, जितना जीरो है उतना पावर लगा दीजिए, वैसे भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से ले जाना है, इसको आपको 10^ यहाँ पर ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो जब कभी भी चिन्ह ऊपर नीचे होता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये 3 जो है माइनस में, ओ सॉरी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से 7 और 3 को जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये सवाल है लगभग आप देखेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आंसर है और ये सवाल कठिन भी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड थी, एकदम सरल थी, जो बच्चे लगाते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं था, बट जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगी। और अगर मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ, कोई एक सवाल और लिखता हूँ, उसके लिए आपको क्या कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है 90, कितना आ गया 90 × आपका आ जाता है कितना, 90 रहने दीजिए ऊपर ही, 90/75 × 75 × 60 कितना है 60, ये हो गया 90/75 × 60। अब इतना बड़ा अगर डिवीजन आ गया तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, हमारी समझ से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कैसे, देखिए 2-3 तरीके हैं, आप इसको काट करके गुणा करके भी काटो या वैसे सरल तरीके से पहले से भी काट सकते हो। जैसे काटना हो तो आप देखिए दिमाग लगाइए, इसमें 0 है इसमें 0 है तो आप 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसे भी काट सकते हो या 10 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, दोनों चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप 9 और 6 अगर समझते हैं तो इसको हम काट देते हैं कितने से, दिमाग लगाइए कितने से कट जाएगा, ये अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर 60 का ये 0 कैंसिल आउट हुआ तो 3 से काटते हैं तो 3 × 6 और 3 × 9 तो यहाँ पर आपका 3 आया है और 75 बचा है, और इससे इसको हम काटना चाहें तो हमारा यहाँ पर 3 × 6 और 1 इसमें गया 3 × 5 = 15 मतलब 25 आ रहा है। तो बात यही है कि इसमें 1/25 आ रहा है, 1/25 आ रहा है। अब 1/25 आप समझ सकते हैं कि 1/25 का मतलब ये हुआ कि आप 1 को काटेंगे तो कभी कटेगा नहीं 25 से, तब आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये 10 बनेगा, 10 बढ़ेगा तो 10 में भी नहीं जाएगा, तो 10 और बढ़ाएंगे तो हमारा बनेगा 100 और 25 × 100 तो ये तरीका भी हो सकता है आपके लगाने का, आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर गलत भी आ सकता है, पर आपको अगर गलती करेंगे तो आएगा गलत, नहीं तो गलत आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सॉरी मैंने एक छोड़ दिया था, गलती से हुआ ऐसा नहीं, दो को मैंने छोड़ दिया था, तो दो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बात फंस गई तो यहाँ पर 25 दूने 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। और 50 का यहाँ पर करने पर बस बात वही है कि दशमलव का एडजस्ट बना, फिर 0 बढ़ाए तो फिर यहाँ पर 2 बना, यहाँ पर बना इतना, यहाँ पर बना आपका इतना। अब एक बात यह है कि जब आप साइंस की सवाल लगाते हैं तब आपको ये यहाँ पर दशमलव नहीं वैल्यू रखता है, आपको दशमलव यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 2 को पार करिए, दशमलव यहाँ पर लगाना है, तो आपको गुणा में 10 का पावर कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप दशमलव इस दशमलव को इधर तब ले जा सकते हैं जब इसके हम प्लेस को चेंज करेंगे, तो प्लेस के लिए हमें कोई संख्या के प्लेस देना पड़ेगा कि हमें कितने जीरो को उधर संख्या को बढ़ाना घटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 अंक गया है, मतलब कि आपको यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है यहाँ पर आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा और वही 100 ऊपर आ जाएगा, तो आपका इस तरीके से -2 पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 पावर। तो इस तरीके से चेंजेज आपको मिलते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया कि आप ये सब समझें कि आखिर क्यों ऐसा हो जा रहा है। ये इसलिए हुआ कि इसको मानक रूप में हमें यहाँ लिखने के लिए 1 अंक पे दशमलव चाहिए, तब आपका इस तरीके से हुआ है। बाकी आप समझ सकते हैं, जैसे एक सवाल और लगाते हैं, जीरो दशमलव 5 बराबर 12/r+3। ओके, अब देखो इस सवाल में पक्षांतर के साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ सारा रूल समाहित है। बच्चों इसको समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इसका पक्षांतर करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है आर को निकालना है। और पक्षांतर जो नहीं समझता है कि ये कैसे पक्षांतर, हमारी चैनल पर अभी बेसिक करंट में बेसिक पक्षांतर का रूल मैं चला रहा हूँ, उसको देखे, पक्षांतर की प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है, पूरा देख लीजिए, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मेरे चैनल पर जितना बेसिक वीडियोज है, किसी के चैनल पर पूरे यूट्यूब देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बात, सच है गलत। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हमें आर निकालना है तो आर को ऊपर ले जाएंगे तभी निकालेंगे, तो आर को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो मतलब कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर को भी छोड़ना है, किसको छोड़ना, आर को, और इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो हमारा 12.05 और प्लस में 3 यहाँ पर है, ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में चला आएगा, किस में चला आएगा, माइनस में चला आएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं तो कैसे लगेगा, इसको चाहें तो इसको हम दशमलव हटा करके और इसको हम काट सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए उसके विपरीत में उतने जीरो बढ़ाओ जितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक पर दशमलव तक 0 में बढ़ा देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 120 कर दूँ और यहाँ पर मैं 5 कर दूँ, इसके बाद ये 3 करूँ, तो देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 गया तो 5 चौके 20 और ये 3 आपका आ गया। कितना ईजी हो गया कि आपका 24 में से अब हम 3 को घटाएंगे, जब हम 24 में 3 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, बस एकदम आसान हो गया। बताइए इस तरीके से भी बहुत सारे लोग कर सकते, इस 3 को आप यहाँ छोड़िए पहले काट लीजिए तब 3 को ले, काम एक ही होना है, जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, सारे रूल अच्छा तक लगाएंगे आएगा आपका 21 ही। तो ये हमने अभी, क्योंकि आपका पेपर आ गया इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से बना रहा हूँ, हर 2 दिन के बाद लगभग इस तरीके पार्ट मेरे चैनल पर पढ़ रहा है, तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मेरे सेकंड चैनल एक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल है, और ये सारी वीडियोज आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे पेजेज हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक है, तो इन सबको आप सपोर्ट करिए और आपका कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट नहीं करते हैं इसलिए देखिए रिस्पॉन्स देना, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी आपके लिए तैयारी करवाते हैं, मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी तैयारी करवाते हैं, अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छे अच्छे PDF का मैटर दूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, लेकिन अभी आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको छोटी चीज़ें सीखें, बड़ी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप वहाँ सीख सकते हैं। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, तो ज़रूर करना कमेंट, और उसके साथ साथ समझ रहे हो।